Hello students, today we will discuss NCERT exercise of 5.8 and the question number 6. देखिए क्या है, examine the applicability of mean value theorem for the three functions given in question 2, right? इन questions में हमें जो दिया है 6 में, वो आपको 3 parts में check करना है कि MVT applicable है नहीं, क्या नहीं. First part मैंने लिखा है, fx is equals to greatest integer function of x, here x belongs to 5 to 9, ये लिखा गया है. अब अगर हम बात करें आपसे, ये f of 1, तो f of 1 क्या आएगा, 5 आएगा, यानी कि सॉल्व करने पे 5. अगर बात करें 9 की, तो ये 9 क्या आएगा, greatest integer function of 9, तो यहाँ तो 9 आ गया. ठीक, ये दो चीजें तो not equal है. यहाँ तो कह देंगे कि हमें MVT applicable है, लेकिन भाई जैसे ही आप find करने जाएंगे f dash x, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ये सिंपली क्या आएगा, 1 आएगा, यानी इसकी वैल्यू 1 हो गई. अब जब f डैश x हमारा 1 है, पुट करेंगे इसको, पुट f डैश c इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या रहेगा, 1 ही रहेगा. अब आप देखिए f डैश c जो है वो आपको 1 मिलेगा. ठीक, तो क्या यहां कभी c एग्जिस्ट कर सकता है, c यहां पर आएगा, नहीं आएगा ना. तो आप लिख दीजिए f डैश c does not have, क्या does not have c, so MVT is not verified for this value. ठीक, इन values के लिए हमारा MVT verify नहीं होगा. ठीक, सेम थिंग जो पार्ट नंबर 2 में आपको दिया है, वो भी आप क्वेश्चन एज इट इज कर सकते हैं. यहाँ पर ये दिया हुआ है माइनस 2 से 2 दिया हुआ है, तो इनके लिए तो डिफरेंट मिलेगा. यहाँ पर हमें f1 does not is equal to f9 तो मिल रहा है, लेकिन c नहीं मिलेगा. फिर से जब c नहीं मिलेगा, तो यहाँ भी MVT वेरीफाई नहीं होगी. आई होप फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया है, सेकेंड आप कर ले जाएंगे. ठीक, चलिए हम इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं आपसे. ऑलराइट, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा आप, या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा. नेक्स्ट को हम देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या है भाई, fx इज इक्वल टू, ये जो थर्ड पार्ट है, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, और इंटरवल हमें क्या दिया हुआ है, 1 to 2, इसके बीच हमें चेक करना है. राइट, तो सबसे पहला काम कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो यस कंटिन्यूअस है. fx इज कंटिन्यूअस बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन. ठीक, हेंस इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1, 2, डिफरेंशिएबल भी है. अब फाइंड करिए f1, तो f1 क्या आएगा, 1 स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 0. ठीक, फिर बात करेंगे हम f2 की, तो 2 स्क्वायर माइनस 1, यानी 4 माइनस 1, 3. यहां आप देख रहे हैं f1 डज नॉट इज इक्वल टू f2, ये बात है, तो MVT हमारी वेरीफाई हो गई, सॉरी एप्लीकेबल हो गई. सो MVT इज एप्लीकेबल, राइट, यहाँ MVT हम लगा सकते हैं. तो होगा क्या, कंडीशन ऑफ MVT, f डैश c इज इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a. तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या आएगा भाई, f डैश x जैसे आप लिखेंगे, ये हो जाएगा 2x, और x की जगह हमें c रख देना है. सो वी हैव 2 और x की जगह हमें c रख देना है. 2c इज इक्वल टू fb, fb मींस 3 माइनस 0 अपॉन b मींस 2 एंड a मींस 1. ओके, सो क्या आ गया, 3/2 यहां से आ गया. क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 3/2 आ गया है. तो अब अगर हम सॉल्व करेंगे, मिलेगा c इज इक्वल टू 3/2 मीन्स 3/3 × 2 = 4, है ना, 3/4 मिल जाएगा. तो क्या 3/4 इस 1/2 के बीच लाई करेगा, आप चेक कर लीजिए. सॉरी, 3/2 नहीं, 2c इज इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी 1, यानी c इज इक्वल टू 3/2. ठीक ना, तो c हमारा क्या आ गया है, 3/2 आ गया है. तो क्या 3/2 आपका इस इंटरवल के बीच बिलोंग करता है, तो यस, है ना, c बिलोंग्स टू 1, 2. सो हाँ ना, c बिलोंग्स टू 1, 2, देयरफॉर MVT इज वेरी
वेरीफाइड, ठीक ना, यहाँ पे एमवीटी वेरीफाई हो गई और सी की वैल्यू क्या आ गई 1/3/2 यानी कि 1.5, जो इसके बीच लाई करेगा, ये ऑलवेज इसके बीच ही होना चाहिए तभी आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा, राइट। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.8 मैंने कंप्लीट करवा दी है। अब हम आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे यानी कि मिसलेनियस एक्सरसाइज पे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।